हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नए वीडियो की तरफ, जहां पर आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज आपके लिए आज क्या है, और आपके लिए वो आज क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आज हम ये कंबाइंड रीडिंग्स के थ्रू चेक करेंगे। साथ ही साथ 27th, जी हाँ 27th नवंबर को है फुल मून डे, जहाँ पर आपको करना है बे लीफ रिचुअल। तो ये बे लीफ रिचुअल आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। फुल मून की रीडिंग्स आज रात से मैं शुरू कर दूंगी, जी हाँ फुल मून की रीडिंग्स आज रात से मैं स्टार्ट कर दूंगी। बहुत स्पेशल होती हैं फुल मून रीडिंग्स, जो आपको मिस नहीं करना है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल पहुंचे और आपको सबसे पहले इस चीज़ का अपडेट मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन क्या संकेत आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, लेट्स चेक। और फिर ओरेकल कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि क्या संकेत यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को देना चाह रहे हैं, क्या एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक यूनिवर्स का आ रहा है। लेट्स जस्ट चेक द रीडिंग्स और देखते हैं कि क्या एक मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें व्यूवर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, व्यूवर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। डिवाइन गाइड करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। पहला कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रेस्टीज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, दैट्स ब्यूटिफुल, फुल मून है भाई, ओ माई गॉड, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। या आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रेस्टीज, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो एनर्जीज जो मेरे सामने हाईलाइटेड हो रही हैं, वो इंडिकेशन तो दे रही हैं कि एक ऐसा समय रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप का, या एक ऐसा टाइम फ्रेम रहा है आपके रिलेशनशिप का, जहाँ पर आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे हैं, आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसीजंस बना नहीं पा रहे थे, और इस वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। मतलब इनका माइंड टोटली कन्फ्यूज था आपको लेकर, अनक्लियर था, मैं क्या करूँ, मैं कैसे स्टेबल करूँ, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, मैं कैसे चीज़ों को बेटर करूँ। यू नो, एक जहाँ पर इनको एनर्जी लगाना चाहिए, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगाई, और पूरा टाइम इन्होंने इनके माइंड में बस एक कन्फ्यूजन वाला स्टेज ज़्यादा रखा। जब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे, जब ये बहुत ज़्यादा डाउन रहे, या ये जब बहुत ज़्यादा परेशान रहे, आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा कि आपने तो अपने इंट्यूशन की सुनी और आपने अपने अंदर की मानी, आप पीछे तो नहीं हटे। आप पे से बहुत सारे लोग ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप पीछे तो नहीं हटे, नो मैटर उन्होंने कितना ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करने की कोशिश करी आपके साथ, क्योंकि जितना ये आपके साथ कन्फ्यूज रहे, उतना ये आपको हैंग करते रहे, उतना ही आपको श्योरिटी नहीं दे पाए, उतना ये आपसे चीज़ें छुपाते रहे, या आपके साथ यू नो एक लेस कॉन्टैक्ट बनाने की पूरी कोशिश करी। बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा भी हुआ होगा कि पार्टनर के साथ नेगेटिव फाइटिंग्स हुई होगी, पार्टनर के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ होगा, जहाँ हम चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, वहाँ हमें लग रहा है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब रियलाइजेशन होता है ना, जैसा कि मैंने आपको हमेशा मेरे हर एक वीडियो में बताया है, हर एक वीडियो में आप तक मैंने बात पहुँचाई है कि जब भी रियलाइजेशन होता है ना, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं। जब भी रियलाइजेशन होता है ना, चीज़ों में अपने आप एक रियलिटी, एक पिक्चर दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर चीज़ें डिले भी हो रही हैं, लेट भी हो रही हैं, डाउन भी हो रही हैं,
मुझे लगता है कि उस पर आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीप डाउन राइट नाउ इनकी अगर एनर्जीज देखी जाए तो ये थोड़े मुझे पैशनेट, ये थोड़े मुझे एनर्जेटिक, ये थोड़े मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ये कोशिश करना चाह रहे हैं बात करने की, कोशिश करना चाह रहे हैं एफर्ट्स लगाने की, ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की। सामने से जाएँ, बातचीत करें, हील करें, ठीक करें, कम्युनिकेट करें, चीज़ों को रिजॉल्व करें, जितनी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं। मतलब अब जब मैंने बोला ना, जब एक वो रियलाइजेशन वाला फेज़ आ जाता है, तब समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ठीक करना है, कैसे बेटरमेंट करना है, कैसे सिचुएशन को हील करना है। और जब ये चीज़ों का जोन बना, उस समय आपके लिए एक सबसे पॉजिटिव बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपने अपने एंड से, अपनी तरफ से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप रखने की कोशिश करी। आपने कभी चीज़ों को हार्म नहीं करा, आपने कभी चीज़ों को नेगेटिव नहीं करा, आपने हमेशा अपने इंट्यूशंस की सुनी, आपने हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशंस की सुनी और आपने अपना 100% देने की कोशिश करी। आप मुझे एक ऐसे जोन में नहीं देख रहे कि जहाँ पर आपने उनकी तरह चीज़ों को ख़राब करा, नेगेटिव करा, फ्रस्ट्रेटेड करा, डिस्टेंस बनाया। नो, आई फील दैट यू हैव ऑलवेज ट्राइड एट द एंड ऑफ द डे कि हमें नहीं साथ होना है, हमें रिलेशन ठीक करना है। और देखो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, वो पिक्चर यहाँ पर आ रही है, वो पिक्चर यहाँ हमारे सामने है कि यू रियली वॉन्टेड टू हील द थिंग्स। और देखो वो चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो चीज़ें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सेलिब्रेशन, एक कम्युनिकेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फिर से आपको चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हैं। ये चीज़ क्लियरली कार्ड्स में दिखाई दे रही है और जिससे समझ में आ रहा है कि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अभी भी है। ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वे से आपके पास आएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना ये इंटरेस्टेड अभी दिख रहे हैं, ये आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। डीप डाउन रिग्रेट तो है कि यार मैंने बहुत गलत करा, मैंने चीज़ें बहुत ख़राब करी, लेकिन अब मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे फिर से रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना है, मुझे फिर से इन्जॉय करना है, मुझे फिर से पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मुझे फिर से उनके साथ कहते हैं ना कि बस घूमना है, मुझे सब कुछ रिजॉल्व करना है। मतलब उनका डीप इमोशन यही कह रहा है कि मुझे चीज़ों को रिजॉल्व करना है, मुझे चीज़ों को हील करना है, जिससे आने वाला टाइम रिलेशनशिप का बेटर हो जाए, आने वाला टाइम रिलेशनशिप का हील हो जाए। नो मैटर कितना डिस्टेंस रिलेशनशिप में बिल्डअप हो गया, कितना दूर हम दोनों हो गए, अब इनकी एनर्जीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि मुझे अब चीज़ों को स्टेबल करना है, मुझे अब इस रिलेशनशिप में 100% आगे बढ़ना है। ये फुल मून आने वाले 2 से 3 दिन कुछ लोगों के लिए हाईली हाईली हाईली, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत हाई है, 3 की एनर्जी भी हाई है, बट 2 की एनर्जी मेजरली हाई है। आने वाले अगले 2 से 3 दिन कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, थोड़ा अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखें, जिससे कि आपको चीज़ों का एक अच्छा डिसीजन, चीज़ों का एक अच्छा, देखो यूनिटी का कार्ड है, मैंने बोला ना कुछ लोगों के लिए आने वाले अगले 2 से 3 हार्मनी का कार्ड है। ओ माय गॉड, आने वाले कुछ 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं रिलेशनशिप में। क्लियरली समझ में आ रहा है कि फिर से कुछ ना कुछ इंडिकेशन डिवाइन आपको देंगी और फिर से चीज़ों को हील करेंगी, आप दोनों के बीच में चीज़ों को रिजॉल्व करेंगी। सबसे पहली चीज़ ये समझ में आ रही है कि न्यू आइडियाज़ रिलेशनशिप में पार्टनर के मन में आएंगे और ये चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। जितनी भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स भी कह रही है कि अब आप भी चीज़ों को एक्सेप्ट करो और फिर से रीयूनियन करो, फिर से रिलेशनशिप के अंदर जो अफेक्शन, जो प्यार था, उसको वापस लेकर आओ। अब ये पर्सन जो आ रहे हैं, ये ज़रूर फ्यूचर के टर्म्स में आपके पास आ रहे हैं, पर्पस से आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। ये फुल मून आने वाले 2 से 3 दिन, मैंने बोला ना, बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन दिखा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिखा रहा है, एक आपके रिलेशनशिप के अंदर प्यार भी बढ़ा रहा है, आप दोनों को साथ लेकर आ रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू आइडियाज़ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना हो सकता है आप अपने स्तर से यही ट्राई करें कि इस कम्युनिकेशन बॉन्ड को ब्रेक ना होने दें, इस कम्युनिकेशन बॉन्ड को डाउन ना होने दें, इस कम्युनिकेशन बॉन्ड को देखो, फ्लेम को देखो। जी हाँ, इट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 to 3 days। बहुत लोगों के लिए कोई एक मेजर इंडिकेशन आ रहा है, फ्लेम खुद कह रहा है कि तैयार हो जाओ, ये 2 से 3 दिन के अंदर कुछ लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा, सामने वाला पर्सन इनिशिएटिव लाकर आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप करके रिलेशनशिप को हील करेगा।
सो एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं। ये कार्ड्स मैंने एंजल्स के ही निकाले थे, एंजल गाइडेंस के ही निकाले थे। तो अब रेडी हो जाओ, जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव इमोशंस दिख रहे हैं और ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। 27th को है फुल मून डे, और आज रात का जो 8 बजे का वीडियो का बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ, कुछ नई चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ। अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, रात के 8 बजे का वीडियो बस मिस ना करें, आप तक यही मैसेज पहुँचाऊँगी। और फुल मून के रिचुअल्स ज़रूर करें। ये समय फुल मून का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, ओम क्लीम कृष्णा नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, खुद को हैप्पी रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी के साथ आपको चीज़ों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। काउंट करना मैंने कितनी बार पॉजिटिव बोला। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। अपना ख्याल रखें, खुद से बहुत प्यार करें, खुद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दें, खुद को बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन दें जो आप डिज़ायर करते हैं। आई एम डैम श्योर डिवाइन आपके फेवर में कुछ बहुत जल्दी मिराकल्स करने ही वाले हैं, क्योंकि एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं और एंजल्स भी आपकी लाइफ में मिराकल करने के लिए रेडी हैं। सो हैप्पी फुल मून टू एवरी वन। फुल मून है 27th को, जी हाँ 27th नवंबर इज़ फुल मून, मिस ना करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।